क्वेश्चन 17 देखिए, द नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन एच. हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है. द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, जेड इज इक्वल टू 15x प्लस 30y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हैं हमारे पास दैट आर 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 12, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो हमें बताना है कि इसके कितने नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे. फिजिबल सॉल्यूशंस मतलब हमें इसे मैक्सिमाइज करना है, तो कितने पॉइंट्स पर ये आपका मैक्सिमम होगा, वही आपके क्या होंगे, उसके यहां पर फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे. तो हम इसे मैक्सिमाइज करते हैं और देखते हैं कि कितने पॉइंट्स पर ये मैक्सिमम होगा. तो सबसे पहले हम इनका ग्राफ बनाएंगे. सो ग्राफ ऑफ 3x प्लस y इज इक्वल टू 12. इक्वेशन का ग्राफ बनता है, ना कि इनइक्वालिटी का. उसके बाद ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. x को 0 लेंगे तो y मिलेगा 5, y को 0 लेंगे तो x मिलेगा 10. इसका ग्राफ बना देते हैं. एंड यहां पर इंटरवल्स को मैं 2-2 के ले रहा हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, और थोड़ा ऊपर भी जाना पड़ेगा, 10, 12, 0, 12 यहां पर होगा एंड इसके बाद 4, 0 यहां पर होगा. दोनों को मैप करें. सो दिस इज आवर लाइन 3x प्लस y इज इक्वल टू 12. एक्स 0, y 5 यहां पे होगा, x 10, 0 यहां पर होगा. थोड़ा लाइन को स्ट्रेट बनाना है. अगर आप स्केल यूज करके करेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी. दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. अब हमें चेक करना है कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा. तो उसके कॉन्स्टेंट को ले लें पहले को, 3x प्लस y इज लेस देन 12. केवल इनइक्वालिटी वाला साइन लें, इक्वल टू वाला साइन ना लें. ओरिजन इस तरफ है दोनों लाइंस के, तो ओरिजन को यहां रख दो एक्स वाई की जगह. 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, 0 इज लेस देन 12. क्या ये बात सही है कि जो 0 है वो लेस देन 12 है? डेफिनेटली ये बात सही है. तो इस लाइन का, दिस लाइन, इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजन की तरफ होगा. अगर बात गलत होती तो अवे फ्रॉम ओरिजन होता. दूसरे वाली को चेक करें, x प्लस 2y इज लेस देन 10, सो 0 प्लस 0 इज लेस देन 10, यानी इसका भी ओरिजन की तरफ होगा. इन दोनों का नीचे की तरफ और एक्स वाई ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये फिजिबल रीजन हमारा बन रहा है. इसके कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं आप देखें, इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं 4, दैट इज 0, 0, दिस इज 4, 0, दिस इज 0, 5 एंड ये आपका हमें निकालना पड़ेगा. इन दोनों का इंटरसेक्शन है. पहली लाइन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो एंड फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो. दिस इज -5y और यहां पे आ गया माइनस का 18. सो y इज इक्वल टू 18/5. y 18/5 आप रख दें यहां पर. x इज इक्वल टू 10 माइनस 36/5,
तो यहाँ पे आ गया दिस इज 36/5, इधर जाके माइनस का एलसीएम 5, 50 - 36 यानी कि 14/5। तो ये पॉइंट आ गया 14/5, 18/5। इनको कुछ नाम दे दें, ओ ए बी सी। अब जब हमें इसके कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हैं तो जेड की वैल्यू हम हर कॉर्नर पॉइंट पर निकालेंगे। तो जेड एट 0, 0 वो हो जाएगा 0 + 0 = 0। जेड एट 4, 0 सो 15 × 4 + 0 = 60। जेड एट 14, 14/5, 18/5 15 × 14/5, 30 × 18/5 5 से 6, 5 से 3। तो ये हो गया 150। एंड जेड एट 0, 5 सो 0 + 30 × 5 = 150। जेड जो है वो इन दो पॉइंट्स पर क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। अब देखें दिस पॉइंट बी एंड सी, बी और सी दोनों पॉइंट्स पर मैक्सिमम आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर दो फिजिबल सॉल्यूशन होंगे, नहीं। आप देखें जब ऐसा केस बने कि दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, बी और सी दोनों एक ही लाइन पर हैं, मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे। तो आप बोलेंगे ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन, ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन लाइन बी सी आर फिजिबल सॉल्यूशन, वो इसके क्या होंगे, फिजिबल सॉल्यूशन होंगे। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे सब पर वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, एंड दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। और इस लाइन पर कितने पॉइंट लाई करेंगे भाई, अब देख लो इस रीजन में ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहां पर लाई करेंगे। यानी इस जेड को आप कहें तो इसके नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस यहां पर इनफाइनाइट होंगे।